हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं लेकर के आई हूं आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही फायदेमंद, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया हेल्दी जूस, जो है लौकी का जूस, जिसे हम लोग खाली पेट तो जरूर पीते ही हैं, लेकिन ये मैं लेकर के आई हूँ। ये एक इस तरीके का जूस है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे हमें खाली पेट ही पीना है। और इसको बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत है। वैसे तो हम लोग सिर्फ लौकी का जूस बनाते हैं, मगर ये कुछ अलग तरीके का जूस है। आप इसको बनाइएगा और ये बहुत ही फायदेमंद है। इसे जब आप एम्प्टी स्टमक पियेंगे तो ये आपकी स्किन के लिए, बॉडी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो गाइस, चलिए बना लेते हैं लौकी का जूस। लौकी का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें लौकी पतली और छोटी लेनी चाहिए, हमेशा यही हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पकी हुई लौकियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। और देखिए, छोटी लौकी जितनी अच्छी होगी उतनी कच्ची होगी और उतनी ही हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं क्यूब्स में। अब मैंने लौकी को क्यूब्स में कट कर लिया है और कुछ तैयारी करी है मैंने। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, साथ ही कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं, थोड़े से अदरक का एक टुकड़ा लिया है जो छोटे छोटे चॉप कर लिया है, और ये है बेसिल लीव्स यानी तुलसी की पत्तियाँ, 3-4 से 5 पत्तियाँ हमने ली हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये सारे चीज़ें जो हैं वो हमारी जो लौकी का जूस है उसे बहुत ही फायदेमंद बनाएगी और हमारे पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। और इसे हमेशा एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए। खाली पेट आप जब पियेंगे तो ये पूरी आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। जितने हमारे फैट सेल्स होते हैं, सारे जो रात भर में जमा होते हैं हमारी बॉडी में, उन सबको निकाल देती है। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी दूधी का जूस। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया और इसमें अपनी सारी लौकी डाल दी है, और अब इसमें जीरा डाल देंगे हम। आप चाहें तो इसमें खीरा भी डाल सकते हैं, खीरा भी बहुत ही फायदेमंद है और अच्छे से इसमें आपके लिए और फायदा देगा ये जूस। थोड़े से पुदीने के पत्ते फ्रेशनेस के लिए, सुबह सुबह बहुत फ्रेशनेस आ जाती है। जिंजर, ये तो एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, साथ ही बेसिल लीव्स बहुत ही बढ़िया है बॉडी के लिए, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब आप ये कहेंगे कि नमक डाल दीजिए, नमक बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। नमक डालने से जो हमारा सुबह सुबह आपको ना नमक और ना शक्कर दोनों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो हमें बिना नमक और बिना शक्कर के ही चीज़ें लेनी चाहिए। और थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस भी डालेंगे, आधा लेमन का जूस हम इसमें डाल देते हैं। इसमें हमने आधा लेमन का जूस डाल दिया और अब हम इसे मिक्स, थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में चला लेंगे। इस जूस को आप जूसर में भी बना सकते हैं, मगर मिक्सी में बनाएंगे तो इसके फुल फाइबर हमें बॉडी के लिए मिलेंगे इसमें, और उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी में फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सारे ही जितने कोई भी हमारे इसमें जो भी मिनरल्स, फाइबर्स जो भी होते हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं होंगे। तो चलिए बना लेते हैं इसको, मिक्सी में चान करके। लीजिए हमारा बहुत ही बढ़िया बॉडी को डिटॉक्स करने वाला दूधी का जूस तैयार है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन इसमें जो फाइबर है और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारे इसी ग्लास में है। इससे हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फायदा होता है। फैटी जो हमारे शरीर में सुबह सुबह फैटी टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं वो सारे इस जूस से निकल जाते हैं, क्योंकि हम इसे एम्प्टी स्टमक पीते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये जूस? और बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही हेल्दी है, हर चीज़ जो भी इसमें है वो बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक जल्दी जल्दी पहुँच सकें। थैंक यू।